आर्मी अफसर की नौकरी छोड़ बन गई आईपीएस। दिलचस्प है सिमरन की कहानी। आपको बता दें, हरियाणा के गांव की लड़की, देश सेवा के लिए संकल्पित हरियाणा के एक गांव से रिश्ता रखने वाली आईपीएस अधिकारी सिमरन हमेशा से भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनना चाहती थी। आईपीएस सिमरन भरद्वाज ने 2022 में यूपीएससी परीक्षा को पहले प्रयास में क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक के 172 हासिल की। केवल सिविल सेवा परीक्षा बल्कि सिमरन भरद्वाज ने साल 2021 में यूपीएससी सीडीएस परीक्षा भी पास करते हुए AIR 6वीं रैंक हासिल की थी। आपको बता दें, सिमरन के पिता भारतीय सेना की सेवा में हैं और ऐसे में सेना से जुड़ा पारिवारिक माहौल सिमरन को विरासत में मिला था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू से कक्षा 12वीं तक के लिए पूरी पढ़ाई की थी। इसके बाद सिमरन पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कमला नेहरू कॉलेज में शामिल होने के लिए दिल्ली चली आई। इंटरव्यू के दौरान सिमरन ने बताया कि उन्होंने यूपीएससी टॉपर्स के 40 से 50 वीडियो देखे और अपने लिए स्टडी प्लान तैयार किया। सिमरन ने अपनी कमजोरी और ताकत की एक पूरी लिस्ट तैयार की और कोविड के बाद लगे लॉकडाउन के दौरान अपनी तैयारी को जमकर धार दी। सिमरन ने कहा, मैंने महसूस किया कि सीधे लोगों की मदद करने, उनकी भलाई सुनिश्चित करने की मेरी क्षमता शायद सिविल सेवा की मदद से ज्यादा बेहतर तरीके से पूरी हो सकेगी। फिलहाल आप देखते रहिए सबसे तेज न्यूज़। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।